तो बेटा आज हम बात करेंगे शटल कॉक के बारे में। शटल कॉक में होता क्या है, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है जिसकी डायमीटर कम है, यहाँ पे ज़्यादा इसका वेट होता है और एरिया कैसा होता है, कम होता है। जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे एरिया इसका ज़्यादा है और यहाँ पे इसका मास जो इसका वेट है बहुत ही कम है। अब ये अपने को दिखाता है एरोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एक एरोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब एरोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, तो कोई बॉडी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तब वो ऑसिलेट होकर के फिर से अपनी जगह पे आती है, इसको बोलते हैं एरोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो ये जो है ये हवा में जब घूमता है तब ये हवा में घूमते घूमते ऑसिलेट होता है और अपने जगह पे वापस आता है, इसी को बोलते हैं एरोडायनामिक स्टेबिलिटी। यही है इसके पीछे का साइंस। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए।